एरोमेटिक कुकिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी जो कि प्रोटीन रिच भी है, साथ ही साथ ये हेल्दी भी है, फाइबर भी है, विटामिंस भी है और आपके लिए ये बहुत इजी भी रहेगी रेसिपी। इसे आप लंच में बना सकते हैं या फिर डिनर में, राइस के साथ तो ये बहुत बेहतरीन लगता है, तो क्यों ना इस रेसिपी को आज बनाया जाए। सबसे पहले यहाँ पे हम आयरन की कढ़ाई ले रहे हैं, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में रेसिपी अच्छी भी बनती है, आयरन कंटेंट भी इम्प्रूव हो जाता है, इसलिए मैं इसी कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सोयाबीन की बड़िया ले रही हूँ। आप चाहे तो इसको वॉश करके ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं, पर जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनके लिए इस तरह से बेहतरीन रहेगी ये रेसिपी। इसीलिए हमने इसे ड्राई रोस्ट कर लिया है। आप चाहे तो 1 टीस्पून घी मिड में डाल सकते हैं। बस इसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। काफ़ी अच्छे से हमारी यहाँ पर बड़िया सिक चुकी हैं। बहुत क्विक मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैं इसको ब्रेकफास्ट के टाइम पे अगर आप बना रहे हैं तो आप इसको इस तरह से भून के बॉईल करके हल्का सा चाट मसाला और दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और लंच में इस रेसिपी को बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। आप वेट रिड्यूस करने की लाइन में है तो ऑयल कम यूज़ करें। ज़ीरा आप इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हींग ऐड कर दीजिए, चाहे तो कुछ खड़े मसाले डाल दें। हल्दी, मिर्च और धनिए का पाउडर हमने पानी में ऐड करके इसमें ऐड कर दिया है। ये आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, बस पकने के लिए छोड़ दें। ऑयल रिलीज़ हो चुका है। मैं आज प्याज इसमें बाद में ऐड कर रही हूँ। प्याज ग्राइंड कर लें, 1 से 2 प्याज, बड़े साइज़ की या फिर मीडियम साइज़ की। प्याज को गार्लिक के साथ में पेस्ट बना लीजिए। बस ये पेस्ट रेडी है और इस पेस्ट को आप मसालों के साथ ऐड कर दें। हालांकि प्याज को आप पहले भी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से भुनने तक इसमें बाद में आप हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर को मिक्स करें। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं और प्याज भी अच्छे से पक जाए। बीच बीच में स्टर करते रहना है। हल्का सा सॉल्ट ऐड कर देंगे तो कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी और जितना भी इसमें अरोमा है वो रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 4 टमाटर की प्यूरी ले लेंगे आप। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं आप, कलर भी चेंज हो चुका है। इसी में मैं ऐड कर रही हूँ मटर। मटर को कुछ लोग फ्राई करके ऐड करते हैं, पर यहाँ पर आप 1 कप के अराउंड फ्रेश मटर ऐड कर देंगे। पकने के लिए इसी मसालों के साथ छोड़ दीजिए। अगर आपने हींग पहले नहीं ऐड की है तो हींग मेरी तरह बाद में ऐड कर सकते हैं। हींग से हाजमा दुरुस्त रहता है, जैसे आप सबको पता है। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज शेयर कर रखी हैं, तो प्लीज़ उन सबको देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ पर हमने जो रोस्टेड बड़ियाँ थी वो ऐड कर दी हैं। इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी हम पानी बिना ऐड करें इन मसालों के साथ मिक्स करेंगे तो इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा वो बढ़िया एब्जॉर्ब कर लेंगी। इस तरह से आप इसको स्टर करते रहें। अगर आप इसे चपाती के साथ बना रही हैं तो इसमें आप करीबन 300 से 350 ml पानी ऐड करके हल्की आंच पर पका लीजिएगा। सॉल्ट ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर एज़ पर द टेस्ट, बट मैं इसको राइस के साथ बना रही हूँ इसीलिए मैं इसकी ग्रेवी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करूँगी। देखिए काफ़ी हद तक पक चुका है। यहाँ पे आप करीबन 550 ml तक पानी इसमें ऐड कर देंगे या फिर जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि बड़ियों को पकने में समय नहीं लगता है। मटर काफ़ी हद तक हमारे मसालों के साथ पक चुकी है इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए और पका लीजिए इसको। बीच बीच में स्टर करते रहना है। देखिए यहाँ पे ऑयल रिलीज़ हो रहा है। इसको कुछ देर पकाइए। अच्छे से पकने के बाद में इसमें धनिया पत्तियों को स्प्रिंकल करिए और गर्मा गर्म रेसिपी को चावल या फिर चपाती के साथ एंजॉय करिएगा। अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़, इजी क्विक रेसिपीज़ हम आपके लिए ला रहे हैं।
तो डेली इंजॉय करिए रेसिपी को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए एंजॉय दिस रेसिपी। बाय बाय।